बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के काफी करीबी माने जाने वाले राजद के मधेपुरा से विधायक और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर लगातार रामचरितमानस को लेकर विवाद बयान दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मीडिया में छनकर सामने आई कि जो राजद के मंत्री हैं चंद्रशेखर यादव, उनके बड़े भाई जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं रामचंद्र यादव, और वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इस तरह की खबरें मीडिया में लगातार चल रही हैं। हमारे साथ रामचंद्र यादव हैं, उनसे हम बात करते हैं कि इन मुद्दों पर क्या राय वो रखते हैं। सर स्वागत है आपका। थैंक यू। खबर आ रही है मीडिया में लगातार कि बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या सच्चाई है? सच्चाई है, सच्चाई तो सच्चाई होती है, उसे खबर झूठा खबर थोड़ी है। एक कहावत है कि कहीं से धुआं निकलती है तभी कोई बात, सच्ची है, बीजेपी में ज्वाइन कर रहा है। अचानक से इतना बड़ा फैसला? अचानक फैसला कहाँ, हम शुरू से इसको लाइक करते हैं बीजेपी को, हम नेशनलिस्ट आदमी है, और हमारे गुरु थे प्रोफेसर नुरुल हसन नाना जी, थे लेफ्टिस्ट लेकिन वो उसके देश के प्रति बहुत भावना थी उनकी, उसके लिए पहले नेशनलिज्म देश था उसके बाद कुछ था, ये अचानक डिसीजन नहीं है। भाई राजद के मंत्री हैं और ऐसे में भाजपा ज्वाइन करने का जो आपका है वो कैसे उसको ये कर रहे हैं? ये तो सबको अपना अपना आइडियोलॉजी होता है। निर्मला जी फाइनेंस मंत्री है, बहुत मंत्रालय, बड़ी मंत्रालय है मोदी जी के कैबिनेट में उनका, उनके हस्बैंड प्रभाकर जी हैं, वो मोदी जी को गाली देते हैं कांग्रेस में, तो पॉलिटिक्स में तो ये सब होता ही है। माधवराव सिंधिया जी अपने माँ के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे, बहुत ऐसा है, तो एक आदमी ने बताया बहुत ऐसा है कि अपने पत्नी से डिफरेंट रहता है जी, माँ बाप से अलग रहता है, भाई से अलग रहता है, बहन से अलग रहता है। आपके वही देखिए, वो क्या नाम था, उदय नारायण चौधरी, उनके बहन भाई भी छोटा अलग है इनसे, बीजेपी में है वो, ये मेरे ख्याल से अभी महागठबंधन में, ये तो होते रहता है, ये कोई नई बात हो रही है। जो राजद के शिक्षा मंत्री हैं आपके छोटे भाई चंद्रशेखर यादव रामचरित मानस को लेकर लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, उस मामले पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी आदमी को जब तक ओरिजिनल सोर्स नहीं पड़ता है तब तक इस ढंग की बातें नहीं करनी चाहिए। बिना ओरिजिनल सोर्स पढ़े हुए किसी का क्रिटिसिज्म आना आसान नहीं है। अब कोई फारसी नहीं जानेगा, कहेगा हम अकबर की अथॉरिटी है, औरंगजेब की अथॉरिटी है, संभव नहीं है। कोई संस्कृत नहीं जानेगा, प्रोफेसर शर्मा को गाली देगा, ए एल वासन को गाली देगा, प्रोफेसर रोमिला थापर को गाली देगा, ये उचित नहीं है। दूसरी बात, तुलसी जी का बहुत बड़ा देन है, जो भी लालू जी बेवकूफ बनाए हैं 1990 से लेकर अभी तक बना रहे हैं, पांच तक तो रहे चीफ मिनिस्टर, सामाजिक न्याय के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर, ये तुलसी जी का ही देन है, उनकी इसमें और लोगों का भी देन है, सूफी सेंट्स थे, भक्ताज थे हिंदू के, उसमें तुलसी जी भक्ता, एक हिंदू के भक्ता थे, ही वॉज वन ऑफ द भक्ताज। तो जिस जो इन लोगों का जो था नारा भाईचारा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, समाज में समानता, ये अकबर को 1580 में सुलाकुल की पॉलिसी स्थापना करने के लिए वाद्य किया, वही पॉलिसी है, उसी को लालू जी भजा रहे हैं, आज तुलसी जी को दूसरी तरफ गाली दे रहे हैं। ये और कुछ नहीं है, कटिहार में जो पिछड़ों का, दलितों का, इवन मुस्लिमों का, एक मुस्लिम भी था जिसको ये हुआ है, और जादवों का जो नरसंहार हुआ है जिसमें दो का लाश गायब है, राहुल यादव जिसकी हत्या हुई है, उसकी बहन थोड़ी सुंदर है, देखने में डर से घर से नहीं निकलती है, जिसको पसंद होता है लेके जाता है, मोना ठाकुर, सरकार का इसमें बहुत गलत रोल रहा है, तेजस्वी का, राजद का, एक तरफ मधुबनी में राजपूतों की हत्या हुई तो तेजस्वी जी 500 गाड़ी ले जाके 11-11 लाख रुपया दिया, एक तरफ पिछड़ों का, जादवों का नरसंहार हुआ, कोई एक शब्द ट्वीट तक नहीं किया, गया ने उल्टे कमेंट करता था कि भाई भैंस चराने आता था बाहर से,
अरे भाई तेजस्वी जी, आपको तो ये तो शर्म की बात है, आप यादव का नेता बनते हो, आपको बथान सिस्टम नहीं मालूम है, आपको पोसर क्या होता है वो नहीं मालूम है, आपको सानी लगाना ये नहीं आता है। इस पर यादव लोग काफी आंदोलित हो रहे थे, जो यादव राजद के बीच है गायक लोग, जैसे डिम्पल यादव गायिका है, राजद का मेंबर है वो, रवि भारती यादव थे, टुनटुन यादव थे, खेसारी लाल यादव थे, काफी ये लोग देखा कि यादव आंदोलित हो रहा है। तो इधर से तुलसी की बात, अब 15% की बात मेहता जी से, जगदेव बाबू वाली बात छेड़ दिया, ध्यान बटा दिया, अपने काम में ये लोग सफल हो गए हैं। ये कटिहार का इश्यू जो वो दब गया है तुलसी गुठंडी से, ये कम्प्लीटली देयर डेप्ट ऑफ पॉलिटिकल मोटिव बिहाइंड द स्टेटमेंट गिवन बाय एजुकेशन मिनिस्टर अबाउट तुलसी, इट वॉज कॉन्स्पायर्ड बाय तेजस्वी only to deal with the situation that happened at Katihar. और ये कुछ आप जहाँ बता रहे हैं कि कटिहारी घटना को लेकर इस तरह के, उस घटना को छुपाने के लिए जो है तो इस तरह की बातें सामने हैं, लेकिन जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनका कहना है कि मैंने रामचरितमानस को पढ़ा है तब मैं इस तरह का बयान दे रहा हूँ। आप एक चीज बताओ, बिना फारसी जाने कैसे हिस्ट्री लोग जान लेगा, उसको अवधि आती है, आप पूछिए उनसे कि अवधि जानते हैं आप, इंग्लिश ट्रांसलेशन तो बहुत कुछ लिख देता है। दूसरी बात, नारी की जो बात है, ठीक ही तुलसी जी ने कहा ही है, क्या तुलसी जी कहा है केवल, क्या मान लीजिए कहा, मान लो शेरशाह के हिस्टोरियन एस के सरवानी ने उसके पहले कहा, शेरशाह पहले थे तुलसी जी से, तुलसी जी मेरे ख्याल से 1533 या 35 में आए हैं, 1523 में उनका डेथ हुआ है, शेरशाह उसके पहले थे, शेरशाह के हिस्टोरियन एस के सरवानी लिखे हैं किताब पर्सन में है, शेरशाह व वक्तस, मतलब शेरशाह एंड हिज टाइम, उसमें नारी को बहुत खराब बात बोले। औरंगजेब के हिस्टोरियन मोहम्मद अली खां मीराती अहमदी लिखे हैं, जिसका ट्रांसलेशन लोखंडवाला ने किया है, उसमें तो इतना नारी के लिए बोले हैं कि कहना भी अच्छा नहीं लगता, बोले जरा उस पर हिम्मत है तो, ये तो हिंदू रिलीजन है भाई, बेचारे की बीवी सबकी भोजाय होती है, वही बात है, कोई और एक धक्का दे दो। एक कहावत है, रोम है पोप का, मधेपुरा है गोप का, खासकर जो मधेपुरा की धरती है राजद की धरती है। अरे कौन कहता है राजद की धरती है, महाराज आप लोग कहते हैं राजद की धरती है, राजद है, लालू यहाँ से नहीं हारे हैं क्या, पिछले बार नेशनल लीडर था ना, लाया ना सब शरद जी को, कितना वोट से हारा, झूठो कह दे कि रोम है पोप, रोम है पोप का सहरसा, मतलब गोप का यहाँ तक है, राजद की धरती कैसे हुई, एक पत्रकार मेरा इंटरव्यू लिया था, हमके बुरी तरह फंसेगा, मधेपुरा से कैसे जीत जाएगा, उसको विश्वास नहीं हुआ है मेरे पास, उसका दिल्ली में लिया था, उसको हम कह दिए कि शरद जी बुरी तरह हारने जा रहे, कम से कम 3 लाख वोट से हारने जा रहे, शरद जी को भी मैंने कहा था कि शरद जी हमको धमकाया था कि लड़का लोग नाराज है, यहाँ मधेपुरा से भी भागेंगे या दिल्ली से भागेंगे, हमके जब दिल्ली से भागना था, हमको भगाना था, तब मेरा कुछ नहीं बिगड़ नहीं पाए, मैं ऐसा भगाऊंगा कि जाके ठाकुरों का जूता साफ कीजिएगा, यहाँ के शर्म की बात है लोगों के लिए, जो आदमी वहाँ कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है, नहीं बैठा सकता ओबीसी को, वहाँ स्ट्रगल किया उमा भारती, स्ट्रगल किया सुभाष यादव, ये तो भागा वहाँ से, ये लोग कुर्सी पर वहाँ नहीं बैठ सकता है ठाकुरों मतलब राजपूत के सामने, हालांकि राजपूत में भी 60-70% जादवी लोग है, मानता नहीं है ये बात सही, तो राजद का थोड़े हो गया मधेपुरा, कौन कहता मधेपुरा हो गया, क्या सीट जीता है, मधेपुरा जीत गया, मधेपुरा आजाद के चलते जीता है, लालू जी के चलते जीता है मधेपुरा, गलतफहमी है, लालू जी वैसे इसको टिकट दिया है, आपको तो मालूम है, पूछ लीजिए, इसको रिवोल्ट करवाए है, मतलब अरे जब टिकट मिला सियाराम यादव को 1 करोड़ रुपया देके दिए, ये इंडिपेंडेंट इसको लड़वाए थे, इंडिपेंडेंट में जीत जाता ये, अपने गलती से जीता, राजद बुरी तरह थक पे जाती थी, तब इसको टिकट मिला, तो कैसे आप कहते हैं कि राजद का मधेपुरा है, राजद का मधेपुरा में काहे नहीं जीत लिया, सहरसा काहे नहीं जीत लिया, सहरसा तो बगले में है, कहाँ जीता, बिहारीगंज काहे नहीं जीत लिया, वो तो बख्तियारपुर
मुकेश सहनी जी को टिकट दिया, जदयू वाले जो था वो चाहता था हमें अथी मावे टिकट, वो वोट कर दिया उनके खिलाफ, इसलिए जीत गए। वैसे हम कह रहे हम अंग्री घुमा दे, बोलने में कुछ लगता है कि पूरा देश मेरा है, कह सकते हैं हम पूरा देश मेरा है, कहने से थोड़ा प्रूफ का तो कहे। आपका एमपी यहाँ रिकॉर्ड वोट से हारता है, विधायक जीतता नहीं है मधेपुरा वाला कहीं से, आप कहते हैं कि भाई मधेपुरा राजद का है, ये भ्रम में है सब। इस बार भी बुरी तरह हारेगा, 4 लाख वोट से हारेगा राजद, किसी को लारा लेना, बोले तो लाया था शरद जी को भी वहां से जीत जाएगा, ये होगा वो। 2014 में भी यहां से बीजेपी जीती, बीजेपी की गलती से राजद जीत गई है, दोनों सीट बीजेपी जीती सुपौल, ये दोनों बीजेपी ज्वाइन आपने कर लिया है, करने वाला है? नहीं, मैं करने वाला हूँ। लगातार बातचीत हो रही है बड़े नेताओं से, किन नेताओं से बातचीत हुई है? अब किन नेताओं से, हम तो बहुत को जानते हैं, किसका किसका मैं नाम कहूँ आपको। लगातार बीजेपी के टच में? हाँ, बीजेपी सुबह से हम इसको चाहते थे भाई, देखा एक बार पढ़ा मैं कि जब सावरकर साहब थे लंदन में, वो तो सीनियर थे गांधी जी से, गांधी जी गए उनसे मदद मांगने, बोले मांस बना चलो खाने, तो बोले मैं मांस नहीं खाता हूँ, इनको बोले डांटे कि भाई जब तुम मांस नहीं खाते हो तो अंग्रेज को कैसे खाओगे, तो मैं नेशनलिस्ट आदमी शुरू से हूँ, देश के प्रति प्रेम है। चलिए, तो ये बड़ी खबर अब सामने आ रही है, रामचंद्र यादव थे जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, चंद्रशेखर यादव उनके बड़े भाई हैं और बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, इन बातों को लेकर खुल के हमारे साथ बातचीत किए, खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे इस खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।